कैसे कहे क्या है सितम सोचते हैं अब ये हम कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे करते तो है साथ सफर फासले हैं फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे पास है फिर भी पास नहीं हमको ये गम रास नहीं
80 है। इस वक्त सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में इस कॉन्फ्लिक्ट की बैकग्राउंड बताऊंगी, क्यों रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है और यूक्रेन के पास ऐसा क्या है जो रशिया को अट्रैक्ट करता है, दुनिया पे इसके क्या असरात होंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या ये चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसका ज़्यादातर हिस्सा एशिया में और कुछ हिस्सा यूरोप में वाक़ है। इसी वजह से इसे ट्रांस कॉन्टीनेंटल कंट्री भी कहा जाता है, वो मुल्क जो एक से ज़्यादा कॉन्टीनेंट्स में पाया जाता है। रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद है यूक्रेन जो कि यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। जंग जारी है, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, उम्मीद है कि इसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा और अल्लाह से दुआ है कि इन दोनों ममालिक को अल्लाह हदायत दे और ये अमन से रह सके। यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खूबसूरत और मुतनव्वो मनाजिर, अच्छी तरह से महफूज सकाफत और रवायात, खूबसूरत ख़वातीन और एक खौफनाक एटमी तबाही के लिए जाना जाता है। दरअसल यूक्रेन यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है रशिया के बाद, और अगरचे बड़े पड़ोसी के साथ तनाव जारी है, फिर भी हम आपको काफ़ी वजूहात बताएंगे कि आपको यूक्रेन विज़िट क्यों करना चाहिए। सबसे पहले यूक्रेन अपनी पोजीशन की बदौलत ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक के साथ ज़बरदस्त सफरी रबते रखता है। यूक्रेनी हवाई जहाज़, ट्रेनें, बसें, कश्तियाँ बासानी काबिल रसाई हैं। यूक्रेन में तकरीबन 20 हवाई अड्डे हैं जो पूरे यूरोप में और यूरोप से बाहर भी अपनी परवाज़ें पेश करते हैं। ज़मीनी नकल व हमल के हवाले से ट्रेनें यूक्रेन में नकल व हमल का एक मकबूल ज़रिया है, क्योंकि रेलवे मुल्क के बेशतर शहरों और मकामात को आपस में जोड़ती है। मरकजी स्टेशन कीव और लवीव में है। बैन अवी ट्रेनें यूक्रेन को बेलारूस, पोलैंड, बेल्जियम, रूस और बहुत सारे दूसरे ममालिक से जोड़ती। दूसरी बात, यूक्रेन के पास कुछ आसान तरीन सरहदी गुजरगाहें हैं। ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक में यूक्रेन का सफ़र करते वक्त वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा ज़्यादातर यूरोपीय शहरी बशमूल बरतानवी शहरी 90 दिन तक क़याम के दौरे के लिए सीधे यूक्रेन में दाखिल हो सकते।
लगती है। ज़्यादातर यूक्रेनी पकवान जायकेदार होते हैं। सबसे अहम कॉमी डिश यकीनन बोरश है। ये चुकंदर का सूप है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और सावर क्रीम डाली जाती है। इसके अलावा कैबेज रोल, जिसे यहाँ होलो बिट्सी कहा जाता है, वो भी मशहूर है। घर के बनाए हुए सॉसेजेस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वुडका और हॉरेल का तमाम बार्स और रेस्टोरेंट में पेश किया जाता है। अब आप यूक्रेन में होने वाली शादियों के कलरफुल कल्चर और रवायात को एंजॉय कीजिए। Yeah.
Thank you.